हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहलाता है एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप सभी के लिए हरियाणा जीके और हरियाणा से रिलेटेड जितने भी एचएसएससी एग्जाम्स लेती है उन सभी का दोस्तों जो एक कंप्लीट कोर्स चला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पर दोस्तों मिलता है, क्योंकि हमारे चैनल पर हर रोज एक ना एक वीडियो आप सभी को दी जाती है। और सबसे पहले दोस्तों आप सभी के हरियाणा पुलिस के रोल नंबर आ चुके हैं, जिसने भी अपना रोल नंबर अभी तक एडमिट कार्ड जिसको हम कहें दोस्तों नहीं निकलवाया तो आप उसे निकलवा ले दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए हरियाणा पुलिस का एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आप सभी को पता ही है 31 अक्टूबर 1 नवंबर और 2 नवंबर को दोस्तों यानी कि हर दिन 2 शिफ्टों में एग्जाम है। और आज की हमारी ये जो वीडियो है दोस्तों 2 दिन से शायद आप सभी को वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हम 2 दिन से वीडियो नहीं दे पाए कुछ जरूरी काम के कारण। लेकिन आज की जो वीडियो है दोस्तों जो पिछली वीडियो का आधा पार्ट हमारा बचता है सभी विभागों के अध्यक्ष और चेयरमैन ये दोस्तों जो एग्जाम है ना ये अपना मेल कॉन्स्टेबल का इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी दोस्तों। हम इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो उससे पहले यही कहूंगा दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक है ना जो आज का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अभी मेल कॉन्स्टेबल के और मेल कॉन्स्टेबल के एग्जाम्स का ही दोस्तों हमारे टारगेट इस पर जला हुआ है कि भारत एसएससी पर। चलिए दोस्तों अपना स्टार्ट करते हैं पार्ट टू जो हमारा टॉपिक रह गया है। देखिए हमने कर दिया था दोस्तों डेयरी विकास बोर्ड तक कर दिया था, उसके बाद में बात करता हूँ दोस्तों जैविक शिक्षा बोर्ड। जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन हमारे दोस्तों गुलशन आहूजा 2001 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, गुलशन आहूजा इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हमारा मेल कॉन्स्टेबल के लिए। उसके बाद अगला दोस्तों यहाँ कृषि विपणन बोर्ड हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड इसकी स्थापना की बात करता हूँ दोस्तों, इसकी स्थापना हुई 1 अगस्त 1969 को। देखिए जो 1969 ये जो ये रहना दोस्तों ये 1969 इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं चाहे हमारे पंडिता जांच कोरोना केंद्र का जिक्र हो, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनते हैं हमारे। और इसके अध्यक्ष की बात करता हूँ दोस्तों, इसके अध्यक्ष हमारे बनेंगे कृष्णा लालावत। ये जो ईयर है ना बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर है दोस्तों, ये कृष्णा एल लावत दोस्तों यहाँ से हमारे अध्यक्ष की चेयरमैन इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी जिसको हम बोल सकते हैं दोस्तों, तो हरियाणा के मुख्य सचिव हमारे रहेंगे दोस्तों विजय वर्धन। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये बनेगा विजय वर्धन। एक बार दोस्तों क्लियर आपको सभी पॉइंट बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, इसको चेक कर लेता हूं मैं बिल्कुल। विजयवर्धन दोस्तों हमारे रहेंगे इसके मुख्य सचिव। और ये बात नंबर भी यहां से पूछ सकता था दोस्तों, तो मुख्य सचिव 34वें नंबर के रहेंगे विजयवर्धन दोस्तों। 34वें नंबर के मुख्य अध्यक्ष जो है चीफ सेक्रेटरी जो है विजयवर्धन रहेंगे दोस्तों। और इनका जो है ना दोस्तों 1 अक्टूबर 2020 से तक इनका 1 अक्टूबर 2020 तब इनका कार्यकाल था, लेकिन बाद में बढ़ा जाएगा इनका कार्यकाल दोस्तों। उसके बाद हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग विभाग, खाद्य एवं ग्राम उद्योग ये एचएसएससी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हरियाणा पुलिस में तो यहाँ से देखने को मिलेगी दोस्तों। उसके अलावा अन्य पेपर जो आपके राम कमांडो वगैरह दुर्गा शक्ति वहां यहाँ के लिए भी दोस्तों तो ये एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है। खाद्य एवं ग्राम उद्योग विभाग की स्थापना की बात करता हूँ तो 1 फरवरी 1969 देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था 1969 जो ईयर है ना 1979 बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर रही है, बहुत सारी चाहे हरियाणा की बात करूँ या नेशनल लेवल पर सेंट्रल लेवल पर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और खाद्य एवं ग्राम उद्योग विभाग के जो चेयरमैन है दोस्तों राम निवास सुरजेखेड़ा निवासी ये सुरजा खेड़ा दोस्तों अपने गांव का नाम
बहुत सारे व्यक्ति अपने पीछे लगाते हैं, चाहे वो राजनीति की बात हो या फिर कोई अध्यक्ष वगैरह चेयरमैन वगैरह की बात हम करें। उसके बाद अगला दोस्तों हमारा हरियाणा राज्य है, कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक हारको। हारको से लेकर दोस्तों हरियाणा स्टेट, हरियाणा राज्य कोऑपरेटिव एपेक्स, एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों हारको। हारको की स्थापना की मैं बात करता हूं दोस्तों नवंबर 1966 में दोस्तों हारको बैंक की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष पूछे गए थे कई पेपरों में पीछे, अरविंद यादव दोस्तों हारको बैंक के अध्यक्ष रहेंगे हमारे। यहां तक दिख रहा होगा ना आपको सभी को, बिल्कुल बिल्कुल यहां तक आप सभी को साफ साफ नजर आ रहा, अरविंद यादव दोस्तों हारको बैंक के अध्यक्ष रहेंगे। हारको की कुल फॉर्म हमारी बनेगी दोस्तों हरियाणा राज्य कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, हरियाणा राज्य कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला चलते हैं, अगला है हमारा हुड्डा। देखिए हुड्डा का नाम बदलकर वर्तमान में दोस्तों क्या है, HSBC कर दिया गया है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी दोस्तों। हुड्डा तो क्या है दोस्तों, अब फिलहाल में HSBP बना दिया गया है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता दोस्तों, इसलिए आप याद रखिएगा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। और कब कर दिया गया दोस्तों, देखिए हुड्डा की स्थापना हुई थी जनवरी 1977 में, और HSBC की स्थापना कब बना दिया गया दोस्तों 2017 में। HSBC जो बना दिया गया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 2017 में दोस्तों। इसको इसके अध्यक्ष की बात करता हूं दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष हमारे होते हैं सीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है सीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद अगला दोस्तों HPCCL मोस्ट इंपोर्टेंट, हरियाणा पावर गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों, हरियाणा माफ कीजिएगा हरियाणा पावर गैस जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों। इसकी स्थापना की दोस्तों 1997 में, 1997 यमुनानगर में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर रहेगा यमुनानगर, ठीक है HPCCL यमुनानगर। इसकी स्थापना 1997 में दोस्तों, इसके वर्तमान में अध्यक्ष पी के दास, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों हरियाणा का पी के दास। उसके बाद दोस्तों अगला भी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा, ये दोस्तों जो इनकी फुल फॉर्म है ना वो मैं आपको एग्रीगेशन की क्लास में दोस्तों जहां पर इनकी फुल फॉर्म से रिलेटेड आपको बताऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी रहेगी। उसके बाद दोस्तों HSIDC, देखिए इसकी फुल फॉर्म हमारी रहेगी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल, दोस्तों डबल आई है तो आप कंफ्यूज ना हो, डबल आई है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दोस्तों HSIDC। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 8 मार्च 1967 श्री वी उमा शंकर इसके अध्यक्ष हैं। श्री वी उमा शंकर इसके अध्यक्ष चेयरमैन दोस्तों हमारे। उसके बाद अगला दोस्तों हार्टोन की बात करता हूं मैं दोस्तों, तो हार्टोन की स्थापना हुई थी दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म की बात करता हूं तो मैं हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1983 को, 1 जनवरी 1983 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष दोस्तों विनीत गर्ग, विनीत गर्ग हमारे इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला दोस्तों हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, 1974, और इसकी चेयरमैन रहेंगे दीप्ति उमा शंकर,
शंकर हमारे इसके चेयरमैन रहे दोस्तों। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम व्यर्थ की। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारा जो है। जल्दी जल्दी आप कर रहे हैं, और जल्दी हम कल या परसों की क्लास में दोस्तों आप सभी को प्रमुख धाराएं जो आईपीसी वगैरह की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम से संबंधित कराएंगे दोस्तों आप सभी को। देखिए उसके बाद अगला हमारा है दोस्तों हरियाणा हाउसिंग बोर्ड। हाउसिंग बोर्ड रहेगा दोस्तों हमारा अगला हरियाणा हाउसिंग बोर्ड। देखिए इसकी स्थापना की बात करता हूँ, इसकी स्थापना 1971 में दोस्तों, और इसके अध्यक्ष हमारे रहेंगे राजदीप फोगाट। राजदीप फोगाट हमारे इसके अध्यक्ष रहेंगे दोस्तों। उसके बाद अगला है हरियाणा रेडक्रॉस सोसाइटी। रेडक्रॉस सोसाइटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, हरियाणा रेडक्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो है हरियाणा गठन के कुछ समय बाद की गई थी, लेकिन इसके अध्यक्ष की बात करता हूँ तो इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे सीएम। यहाँ पर दोस्तों इसका उपाध्यक्ष भी पूछ सकता है, उसके जो उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि आपने देखा पिछले क्वेश्चनों में कई बार उपाध्यक्ष भी पूछा है, यानी कि हम तो क्या है ज्यादातर जो है ना अध्यक्ष पढ़ लेते हैं, चेयरमैन पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार वाइस चेयरमैन और उपाध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है। तो इसके उपाध्यक्ष रहे दोस्तों सुषमा गुप्ता, जो हमारा दोस्तों हरियाणा रेडक्रॉस सोसाइटी उसके उपाध्यक्ष रहेंगे दोस्तों सुषमा गुप्ता। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए आईएसए, आप सभी जानते हैं आईएसए का जो होना हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना की बात करता हूँ नवंबर 2015 में दोस्तों आईएसए की स्थापना की गई थी 2015 में पेरिस में दोस्तों। इसका मुख्यालय, देखिए मुख्यालय मैंने आपको बताया कि हेडक्वार्टर गुरुग्राम में दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में नवंबर 2015 में स्थापना हुई थी दोस्तों टेरिस दोस्तों, लेकिन गुरुग्राम में कब है? जनवरी 2016 में दोस्तों गुरुग्राम में इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष दोस्तों अजय माथुर, अध्यक्ष हमारे इसके रहेंगे अजय माथुर। इसके बारे में देखिए दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी गई है, कब इसकी स्थापना कब हुई गुरुग्राम में, इसकी स्थापना कब हुई, और इसके अध्यक्ष कौन दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा रहता है दोस्तों, ये पूछा गया है, ये सही स्थापना बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों हमारा बाल कल्याण परिषद, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद। बाल कल्याण परिषद हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, इसकी स्थापना की बात करता हूं 1 अप्रैल 1971 रहेगा दोस्तों इसकी स्थापना की बात करता हूं आपसे। इसके महासचिव रहेंगे दोस्तों परवीन अत्री। इसका हेडक्वार्टर रहेगा दोस्तों चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। उसके बाद हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण, जल संसाधन प्राधिकरण है, जल संसाधन प्राधिकरण के अध्यक्ष में बात करता हूं दोस्तों, इसकी अध्यक्ष रहेंगी केशनी अरोड़ा।
दोस्तों इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हरियाणा की मुख्य सचिव रह चुकी है और विजयवर्धन से पहले यानी कि 33वें नंबर की मुख्य सचिव थी। केशनी आनंद अरोड़ा तो दोस्तों वो 33वें नंबर की मुख्य सचिव थी, ये ध्यान रखना। 33वें चीफ सेक्रेटरी दोस्तों मुख्य सचिव थी, यशली ग्राम दोस्तों मैं 33वीं चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव थी हरियाणा की, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं। उसके बाद देखिए हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम बोर्ड का, भूमि सुधार विकास निगम बोर्ड, ठीक है दोस्तों, भूमि सुधार विकास निगम बोर्ड के अध्यक्ष जगदीश नैयर, जगदीश नैयर इसके अध्यक्ष रहेंगे। उससे दोस्तों हमारा सफाई कर्मचारी आयोग, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हमारे रहेंगे राम अवतार वाल्मीकि। पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष थे दोस्तों हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण यानी किसी व्यक्ति को दोस्तों पुलिस वगैरह से संबंधित या कुछ रिपोर्ट देखे तो जो ना पुलिस के मामलों से संबंधित, एक आपको किसी तरीके से जो कानूनी कार्रवाई वगैरह से संबंधित कोई भी एफआईआर वगैरह करनी हो तो वो दोस्तों हमारे सब्जेक्ट के थाने वगैरह में हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस से ही संबंधित अगर कोई शिकायत दोस्तों आपको करनी है तो उसके लिए एक अध्यक्ष जो यानी कि वो वहां पर होगी दोस्तों, तो वो होगी हमारे दोस्तों जो हमारे पुलिस अध्यक्ष के तौर पर दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं नवराज संधू, ये भी दोस्तों पहले हरियाणा पुलिस के डीजीपी रह चुके हैं नवराज संधू। कई बार क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन हरियाणा का डीजीपी रहा, इस तरीके से ऑप्शन देते हैं कौन हरियाणा का मुख्य सचिव रहा, चार ऑप्शन आपको इसी तरीके से दिए जाए तो मैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा जो है ना मुख्य सचिव नहीं था इनमें से, इसलिए कंप्लीट डिटेल दोस्तों बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहे। उसके बाद अगला दोस्तों हमारा देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्री आपको पता कमलेश नड्डा, महिला विकास निगम की चेयरमैन आपको बता ही दिया दोस्तों बबीता पवार हमारी हैं। उसके बाद युवा आयोग चेयरमैन, ये आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा युवा आयोग चेयरमैन ये हमारे देखते हैं दोस्तों युवा आयोग के चेयरमैन रहे मुकेश बोर्ड, मुकेश बोर्ड हमारे युवा आयोग के चेयरमैन रहे दोस्तों। मेवात विकास बोर्ड, मेवात विकास बोर्ड जिसका अध्यक्ष दोस्तों सीएम होता है, कोई भी सीएम हो ठीक है, मनोहर लाल है ना खट्टर। मेवात विकास बोर्ड की स्थापना 2007 में हुई थी दोस्तों, ठीक है, मेवात विकास बोर्ड। उसके बाद हरियाणा एससी आयोग से संबंधित, हरियाणा में एससी आयोग की अध्यक्ष यानी कि देखिए दोस्तों शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति आयोग से की जो चेयरमैन है वे हमारे रहेंगे सुनीता दुग्गल। देखिए दोस्तों हमारे सिरसा सीट से, जो सिरसा सीट और दोस्तों हमारी अंबाला सीट जो रिजर्व है 10 लोकसभा सीट हरियाणा में, लेकिन सिरसा और अंबाला दोस्तों हमारी रिजर्व सीट है, तो सिरसा रिजर्व सीट से हमारी एमपी है सुनीता दुग्गल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एचबीएससी के अध्यक्ष, एचबीएससी को तो आप सभी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो इनके अध्यक्ष रहेंगे दोस्तों जगबीर मलिक, जगबीर मलिक दोस्तों। इसकी स्थापना 1969 के टाइम पर हुई थी चंडीगढ़ में दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर
लेकिन एचबीएससी जो अभी हेडक्वार्टर भी वहीं लिया गया है, मतलब यानी कि मैं ये कहूँ दोस्तों एट प्रेजेंट टाइम में एचबीएससी का जो हेडक्वार्टर वो भिवानी जिले में है, तो उसको 1981 में भिवानी लेकर या भिवानी बनाया गया था चंडीगढ़ से डाकर दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप इनको बोल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला है, एक बार ये भी पूछा गया था यहाँ में बीजेपी के दोस्तों अध्यक्ष यानी बीजेपी प्रभारी, बीजेपी प्रभारी यहाँ के कौन रहे हैं दोस्तों, विनोद तावड़े महाराष्ट्र से इनका संबंध है दोस्तों, विनोद तावड़े ये हरियाणा में बीजेपी के रहे दोस्तों। एक बार जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद आगे करते हैं दोस्तों हम। विनोद तावड़े हमारा रहेगा दोस्तों, विनोद तावड़े हमारे बीजेपी के प्रभारी रहेंगे दोस्तों। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर हो चुका दोस्तों आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा लाइटिंग की वजह से, क्योंकि लाइटिंग थोड़ी कम इफेक्ट है दोस्तों यहाँ पर लाइट का इसलिए, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इस इनको जो नाम से भी के लिए किया जाएगा। चलिए दोस्तों आप सभी ने स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वीडियो को देखना ज्यादा शेयर करते हैं दोस्तों, चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद कल दोस्तों या फिर आज ही दूसरी क्लास भी आप सभी को जल्दी मिल जाएगी, अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप कमेंट करोगे तो जल्दी ही दूसरी क्लास भी दे सकते हैं हम आज ही। वर्तमान में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा दोस्तों, महाधिवक्ता ये हरियाणा की बात है दोस्तों, महाधिवक्ता महाधिवक्ता हमारे रहेंगे दोस्तों वर्तमान में बलदेवराज महाजन दोस्तों, बलदेवराज महाजन। ये हमारे महाधिवक्ता रहेंगे प्रेजेंट टाइम के दोस्तों। उसके बाद अग्निशमन सुधार प्राधिकरण के अध्यक्ष हरियाणा की बात चल रही है दोस्तों, इनके आगे हरियाणा जरूर लगा लेना, हरियाणा के महाधिवक्ता हरियाणा अग्नि प्राधिकरण, हरियाणा अग्नि सेवा प्राधिकरण सुधार, अग्निशमन प्राधिकरण सुधार सेवा का दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार हमारे दोस्तों अग्नि सेवा सुधार प्राधिकरण के अध्यक्ष रहेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पिछड़ा आयोग, राज्य पिछड़ा आयोग, शेड्यूल अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड दोस्तों राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष रहेंगे रामचंद्र जांगड़ा, रामचंद्र जांगड़ा। अन्य पिछड़ा आयोग से संबंधित हमारे रहेंगे शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष, हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष, शतरंज एसोसिएशन। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे रहेंगे दोस्तों मुकेश खन्ना, लोगों ने वहां पर दोस्तों क्या है राजीव गाबा करा था, लेकिन श्री अजय कुमार बल्ला हमारा राइट आंसर था। देखिए उसके बाद गृह सचिव हरियाणा के गृह सचिव मुख्य सचिव, मैंने आपको बताया 34वें नंबर के दोस्तों विजय वर्धन रहेंगे। गृह सचिव की बात करता हूँ तो गृह सचिव रहेंगे राजीव अरोड़ा, श्री राजीव अरोड़ा, श्री राजीव अरोड़ा हमारे गृह सचिव रहेंगे।
उसके बाद अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है योग परिषद का अध्यक्ष है, योग परिषद है हरियाणा, योग परिषद का अध्यक्ष हमारा रहेगा दोस्तों जी अधिक पाली है। जयधिपाली है योग परिषद के अध्यक्ष है, वो मंतु जातो वो मंतु जाति का चेयरमैन दोस्तों। हरियाणा को मंतु जाति, वो मंतु जाति का चेयरमैन दोस्तों डॉक्टर बलवान सिंह दोस्तों। इनके आगे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं उसको पहले सब पूरा लिख लेना। इसके आगे हरियाणा को मंत्री जाति आयोग का चेयरमैन है दोस्तों बलवान सिंह, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपके समय की बचत हो दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है ठीक है इसलिए दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा दोस्तों हरियाणा कृषि निगम के बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हरियाणा कृषि निगम बोर्ड कृषि निगम बोर्ड के अध्यक्ष है, यह रहेगा राकेश गौतावाद है दोस्तों, शायद गुरुग्राम विधानसभा के अंदर, गुरुग्राम के अंदर है विधानसभा सीट, वहां से जो ना दोस्तों हमारे यहाँ के अध्यक्ष। उसके बाद हरियाणा ग्रंथ अकादमी का अध्यक्ष है, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे दोस्तों सुनील वशिष्ठ। साहित्य अकादमी के निर्देशक दोस्तों, ये टॉपिक वैसे तो अलग से कराऊंगा दोस्तों मैं साहित्य अकादमी वगैरह यहाँ पर, लेकिन आपको बता रहा हूँ दोस्तों थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है निर्देशक। ये नहीं दोस्तों चंद्र तिरखा, डॉक्टर चंद्र तिरखा, क्योंकि बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है डॉक्टर चंद्र तिरखा। उसके बाद हरियाणा में एस टी आयोग का अध्यक्ष, देखिए मैंने आपको बताया पहले एस सी आयोग का अध्यक्ष, उसके बाद ओबीसी आयोग का अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग का ठीक है, अब है एस टी आयोग का अध्यक्ष शेड्यूल ट्राइब्स दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब का अध्यक्ष हमारे रहेंगे दोस्तों पवन खरखोदा, खरखोदा है सोनीपत की दोस्तों रिजर्व सीट है, ये पवन खरखोदा यहां से हर बार दोस्तों तीसरी बार लगातार बने हैं यहाँ से एमएलए विधायक है। उसके बाद दोस्तों शुगर फेड के चेयरमैन, शुगर फेड के चेयरमैन, शुगर फेड के अध्यक्ष चेयरमैन ये रहेंगे दोस्तों हमारे श्री रामकरण, इनके नाम के पीछे शायद काला, श्री रामकरण काला इस तरीके से पूरा नाम है दोस्तों इनका। हरियाणा आवास बोर्ड दोस्तों चेयरमैन, आवास बोर्ड के चेयरमैन दोस्तों। केंद्र सरकार की एक योजना आपसे मैंने देखा हुआ कि हर गरीब व्यक्ति को घर दिलाना, उनका जो कब तक का प्लान है कि हर गरीब व्यक्ति को जो घर दे दिया जाएगा वो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा, तो वो प्लान हमारा दोस्तों 2022 तक है ठीक है। इसमें दोस्तों हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे जोगीराम सिंह आग, जोगीराम सिंह आग ये दोस्तों हमारी बरवाला विधानसभा सीट, जो भी सार की विधानसभा सीट है बरवाला, वहां से दोस्तों हमारे विधायक हैं जो विधान सी आ गए। उसके अलावा दोस्तों देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही आपके लिए, तो पिछले गए दूसरा पार्ट है दोस्तों, तो इससे पहले आप सभी को पता है हम एक पार्ट इसका कर चुके हैं दोस्तों, ये आपके लिए दूसरा पार्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से मुझे उम्मीद है दोस्तों हरियाणा पुलिस की दोस्तों, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं 6 शिफ्टों में पेपर है, यानी कि हर दिन 2 शिफ्ट, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आप सभी को फंसेगा, और अभी तक जितना भी सिलेबस हमारा हुआ दोस्तों इससे बाहर मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन जाएगा आपका और कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे, तो दोस्तों आप सभी जुटे रहिए बिल्कुल आपके पास बिल्कुल, ये मान के चलिए कि आज के बाद तो 6 ही दिन बाकी है, 6 दिन में आपने अपने सिलेबस को इस तरीके से रगड़ दिए थे दोस्तों, हमारी जितनी भी वीडियो अभी तक आई है उन सबको बिल्कुल एक दो बार तो बिल्कुल ध्यान ध्यान से देखते रहिए, आपने नोट्स तो बना ही लिए होंगे साथ साथ, जैसा कि मैं आपसे भी से कहता हूँ तो आप बिल्कुल ध्यान से इन वीडियो को देखिएगा,
आपके लिए दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जानकारी रहेगी, क्योंकि बहुत ही डीपली डाटा ऑफिशियली डाटा हमने आपको करवाया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को इतना प्यार देते हैं उसके लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।